एलिगेटर वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों आज हम आपको पानी की दुनिया के दो ऐसे खतरनाक शिकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका रिश्ता सोने और पीतल जैसा है, जो दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हम हर बार इन्हें मगरमच्छ समझने की गलती कर बैठते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एलिगेटर और क्रोकोडाइल की, जहाँ ये दोनों ही जानवर काफी खूंखार किस्म के हैं, लेकिन जब बात आती है दोनों की लड़ने की तो कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन किसे नानी याद दिलाता है, आइए देखते हैं। दोस्तों भले ही एलिगेटर और मगरमच्छ दिखने में एक जैसे हों पर इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मगरमच्छ आपको अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया की हर जगह देखने को मिलेंगे, वहीं एलिगेटर केवल चाइना और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ की त्वचा का रंग हल्का सा हरा या फिर हल्का भूरा होता है, जबकि एलिगेटर गहरे काले भूरे रंग के पाए जाते हैं। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एलिगेटर का जो मुंह है उसका आगे वाला हिस्सा यानी कि थूथन यू शेप में होता है, वहीं मगरमच्छ का थूथन वी शेप में होता है। एलिगेटर का जो ऊपरी जबड़ा होता है वो निचले जबड़े की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए मुंह बंद करने के बाद एलिगेटर के दांत दिखाई नहीं देते, पर मगरमच्छ के दांत मुंह बंद करने के बाद भी एक दूसरे में फंसे हुए दिखते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का ऊपरी और निचली जबड़ा एक समान चौड़ा होता है, जिस वजह से इनके दांत पूरी तरह से नहीं ढक पाते और मुंह बंद करने के बावजूद दिखते हैं। साइज के बारे में बात करें तो अमेरिकन एलिगेटर चाइना में पाए जाने वाले एलिगेटर के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। सामान्य तौर पर तो एक एलिगेटर की लंबाई 12 से 15 फीट होती है, पर कई बार 20 फीट तक लंबे एलिगेटर्स भी देखे जा चुके हैं। वजन की बात करें तो एलिगेटर 450 किलो तक भारी हो सकते हैं, जो कि आपको अधिकतर मीठे पानी की नदियों और तालाब में देखने को मिलेंगे। पर अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो दोस्तों ये मीठे पानी वाली नदियों के साथ साथ समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली मगरमच्छ का साइज 15 से 20 फीट तक होता है और उनका वजन 1000 किलो तक होता है, यानी कि ताकत के मामले में मगरमच्छ बाजी मार जाता है, लेकिन सारा खेल तो उनके काटने की शक्ति पर निर्भर करता है, जहां एलिगेटर की बाइट फोर्स 1980 PSI तक नापी गई है। पर दोस्तों मगरमच्छ जहां भी एलिगेटर को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि मगरमच्छ की बाइट फोर्स अब तक नापी गई सभी जीवों की बाइट फोर्स में सबसे ज्यादा है, जहां ये 3700 PSI की बाइट फोर्स के साथ सामने वाले पर हमला करता है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक नायल मगरमच्छ की बाइट फोर्स 5000 PSI तक पहुँच सकती है। दोस्तों इनकी ताकत के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, पर अगर हम इनके स्वभाव के बारे में बात करें तो उसमें भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जहां एलिगेटर का स्वभाव कम आक्रामक होता है, एलिगेटर केवल मछली, कछुआ और हिरण जैसे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। और अगर इंसानों पर होने वाले हमले की बात करें तो 1973 से लेकर आज तक केवल 24 इंसान ऐसे हैं जिनकी मौत एलिगेटर से वजह से हुई। परंतु अगर हम मगरमच्छ की बात करें दोस्तों, इनका स्वभाव बहुत आक्रामक होता है और उन्हें सिर्फ अपना पेट दिखता है, इसलिए बहुत ही खूंखार तरीके से सामने वाले पर हमला करते हैं। मतलब पानी में घुसने वाली हर एक चीज को मगरमच्छ अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि मगरमच्छ के हिसाब से तो वो पानी का राजा है और सिर्फ वही अपने इलाके में राज कर सकता है। इसलिए जैसे ही कोई दूसरा जानवर पानी में प्रवेश करता है या फिर पानी पीने की कोशिश करता है, वो मगरमच्छ के निशाने पर आ जाता है। ऐसे में कई बार मगरमच्छ भूख ना लगे तब भी वो पानी में आने वाले दुश्मन पर हमला कर देता है। मगरमच्छ मछली या कछुओं को तो खाती है, अगर सामने जेब्रा या फिर बड़े साइज के भैंस वगैरह आ जाए तो इनको भी नहीं छोड़ते। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पानी में शेर भी अपनी प्यास मिटाने के लिए पहुंचा तो इन पर हमला करके उन्हें भी मार देते। और इंसानों के बारे में तो पूछिए मत, क्योंकि हर साल करीब 1000 लोग मगरमच्छ का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों जब हम दो अलग अलग जीवों का मुकाबला करते हैं तो उनकी रफ्तार और हमला करने की गति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वैसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों ही जीव जमीन पर बहुत ही सुस्त और धीमे हो जाते हैं, जहां एक क्रोकोडाइल जमीन पर 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और ये स्पीड मगरमच्छ के केवल कुछ मीटर तक की होती है, क्योंकि अगर इसे ज्यादा चलना पड़े तो ये रुक जाता है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि इनके लिए जमीन पर शिकार करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई इंसान मगरमच्छ से ज्यादा तेज दौड़ता हुआ आगे निकल गया तो उसे नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि एलिगेटर को जमीनी रफ्तार मगरमच्छ से थोड़ी ज्यादा और एलिगेटर जमीन पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा ये मगरमच्छ की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ने में पूरी तरह सक्षम है। परंतु अगर बात की जाए जमीन पर तो अधमरी हालत वाले इन दोनों जीवों में पानी के अंदर जाती जैसे जान आ जाती है। मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही पानी के अंदर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि क्रोकोडाइल पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी तैर सकते हैं। अब अगर हम एलिगेटर और मगरमच्छ के मुकाबले की बात करें तो ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि मगरमच्छ एलिगेटर की तुलना में साइज में काफी भारी, बड़े और ताकतवर होते हैं। साथ ही साथ मगरमच्छ के काटने की ताकत भी एलिगेटर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। उसके अलावा मगरमच्छ के दांत भी एलिगेटर से काफी ज्यादा बड़े और मजबूत होते हैं। हमें बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि एक एलिगेटर के मुकाबले में मगरमच्छ ज्यादा गुस्सैल जीव है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि जब कभी भी एलिगेटर का सामना मगरमच्छ से हुआ तो पहला हमला मगरमच्छ की तरफ से होगा। पर ये सिचुएशन तब देखने को मिलेगी जब मुकाबला पानी में हो, क्योंकि अगर मुकाबला जमीन पर हुआ तो कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, मगरमच्छ जमीन पर एलिगेटर के मुकाबले काफी स्लो है,
और ये ज्यादा लंबे समय तक दौड़ भी नहीं पाएगा। अगर मगरमच्छ गुस्से में आकर एलिगेटर के ऊपर हमला करने लग जाए तो एलिगेटर पहले ही समझ जाएगा कि उसका बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देगा। थोड़ी देर तक मगरमच्छ एलिगेटर का पीछा करेगा, लेकिन बाद में थक हार कर बैठ जाएगा और एलिगेटर दूर तक तेजी से दौड़ता हुआ अपने आप को बचा सकता है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब मगरमच्छ पानी के बाहर वार करेगा, और पानी का राजा मगरमच्छ इस तरह की भूल कभी नहीं करेगा, वो भी एलिगेटर के साथ। उसे भी मालूम है कि सामने दुश्मन कांटे की टक्कर दे सकता है, इसलिए मगरमच्छ हमेशा पानी के अंदर वार करेगा और एक ही झटके में काम तमाम करने की कोशिश करेगा। इसलिए एलिगेटर और मगरमच्छ की जंग में जीत मगरमच्छ के नाम होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इसको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।